बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल है आप सबके? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल रेमडी फॉर जो है बेस्ट रेमडी है ख़वातीन के लिए जिनको कमर में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, जिनको वीकनेस फील होती है, तो उनके लिए स्पेशल और ज़बरदस्त रेमडी है। तो अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें। तो जो है ये रेमडी जो है ना स्पेशल मैंने बनाई है अपनी एक बड़ी जो थी बुज़ुर्ग खत्म उनसे पूछ के, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, आप लोग ज़रूर बनाइए। तो मैंने क्या किया कि मैंने रात को एक पाव खोपरा और एक पाव चावल रात को भिगो दिए एक बड़े से बाउल में, और सुबह मैंने इसको अच्छे से जो ये इतना पानी डालें कि इसमें दोनों चीज़ें अच्छे से डिप हो जाएँ। सारी रात आपने इसको भिगो के रखना है, सुबह आप जो खोपरा होगा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा तो अपने अंदर ये पानी भी जज्ब कर लेगा और चावल भी बिल्कुल ऐसे गल जाएंगे बड़े फ्रेश। चावलों को और जो है खोपरे को अब आपने क्या करना है कि अलग अलग कर लेना, उन दोनों को खुश कर लेना है। तो तीसरी चीज़ भी इसमें एक है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, उसके बेशुमार फ़वाद हैं, वो है मिश्री। तो इन तीनों चीज़ों को जो है हमने खुश कर लेना है पानी इसका निकाल के, तो अलग अलग इसको हमने एक कपड़े पे फैला के खुश कर लेना है। उसके बाद जो है खोपरा उसको हमने कद्दूकश कर लेना है और चावल खुश करके उसको हमने अच्छे से कूट लेना है और मिश्री हमने ग्राइंडर में पीस लेनी है। इन तीनों चीज़ों को फिर हमने मिक्स करके एक फक्की टाइप बना लेनी है और रात को जो है वो आपने क्या करना है इसको स्पेशल रात को आपने सोते ही रहेंगे, एक तो ये खाने में आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे, काफ़ी लगेंगे और ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। इसके फवायद पेश हो रहा है, चावल मैंने ऐसे धो के रखा है, इसके लिए ऐसे ऐड कर लिए। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया, तो चावल है उनको अच्छे से मिक्स करके एक हफ्ते के लिए आप एक हफ्ते से ज़्यादा फ्रेश बना लेते हैं। ये स्पेशल रेमडी है खवातीन के लिए, उनका कोई डिशू चल गया हर तरह की शुरू खत्म करेंगे करें और अपनी दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को